चंदौसी विधानसभा से सपा से उम्मीदवारी कर रहे सपा नेता सतीश प्रेमी जिनका टिकट न होने पर अपनी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने दर्द को कुछ इस तरीके से बयां किया जो अंत में रो रो कर बयां कर रहे थे, आखिर क्यों रो पड़े सतीश प्रेमी। आदरणीय क्षेत्रीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, मैं सतीश प्रेमी आपका बेटा, आपका साथी, आपका दोस्त इस उम्मीद के साथ था कि समाजवादी पार्टी में रहकर ईमानदारी से काम किया, लेकिन मैं चाहता था कि चंदौसी विधानसभा क्षेत्र के एक बार सेवा कर सकूं, आपका बेटा बनके, दोस्त बनके, साथी बनके। लेकिन जिस पार्टी में मैं ईमानदारी से रहा वहां पैसे की कदर थी, अय्याशी के संसाधनों की कदर थी। मैंने जीवन भर न तो पैसा कमाया न अय्याशी के संसाधन इकट्ठे किए। मैं कोशिश करता रहा कि क्षेत्र की एक बार सेवा करता हूं, जिस लायक था, जैसा भी था, आपका बेटा था, आपका दोस्त था, आपका साथी था, लेकिन मैं आज फेल हो गया। मैंने कभी जाति और धर्म को प्राथमिकता नहीं दी। मैंने कोशिश की कि मैं आपके दुख सुख पर साथ हो सकूं, आपको अपने दुख सुख का साथी बना सकूं, लेकिन जिस उम्मीद के साथ अखिलेश यादव जी के साथ एक लंबे समय से समाजवादी पार्टी में रहा वहां पैसे की कदर थी, वहां संसाधनों की ऐसी संसाधनों की कदर थी, लेकिन मैं इस उम्मीद के साथ आपसे ये अपनी किस्मत को कोसते हुए कि आज मेरे पास आप क्षेत्र के बुजुर्गों के अलावा, नौजवान साथियों के अलावा कोई नहीं है, ना मां ना बाप, लेकिन ये उम्मीद जरूर करता हूं कि आप मेरे साथ खड़े रहोगे, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। मैं आज चंदौसी से, लखनऊ से चंदौसी वापस लौट रहा हूं, लेकिन आप ये विश्वास रखना कि आपका साथी, आपका बेटा, आपका भाई, आपका सतीश प्रेमी आपके साथ है, कोशिश करेगा कि आपके साथ दुख सुख में खड़ा रहे। मुझे माफ कर देना कि मैं विभावनाओं के अनुरूप नहीं उतर सका। हाँ, राजनीतिक रूप से फेल हुआ हूं क्योंकि मैं ईमानदार था, मैंने बेईमानी जीवन में नहीं की किसी भी तरह की।